दोस्तों, मैं हूं ऋतिक गोस्वामी, स्वागत करता हूं आप सभी का। अभी बात करते हैं नया अपडेट जो फिलहाल आ रहा है, राजू श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। बता दें आपको, कई खबरें जो है छपी, कई न्यूज़ जो है आई कि राजू श्रीवास्तव को दिल्ली के एम्स अस्पताल से शिफ्ट किया जाएगा और मुंबई के किसी हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाएगा। पर राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए, जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या ये बात सच है, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में बताया कि हमने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। तो दीपू श्रीवास्तव का इस पर सिर्फ यही कहना था कि हमने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है और आप जो है झूठी खबरों पर, झूठी चीज़ों पर जो है विश्वास न करें। आप राजू श्रीवास्तव की जो हालात है फिलहाल स्थिर है। दीपू श्रीवास्तव ने आगे कहा कि राजू का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल के अंदर चल रहा है, अब हम उन्हें ठीक होने के बाद ही यहाँ से घर ले जाएंगे। हमें दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टर्स पर जो है पूरा भरोसा है। ये बड़ी बात जो है राजू श्रीवास्तव के भाई दीपू श्रीवास्तव ने कहा। उन्होंने बताया कि अभिनेता राजू श्रीवास्तव की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। हमें आप सभी की प्रार्थनाओं की जो है ज़रूरत है। राजू श्रीवास्तव जो है प्रार्थना करते रहे, राजू श्रीवास्तव जो है जल्द ही ठीक होंगे। और उन्होंने कहा कि आप ऐसी झूठी खबरों पर विश्वास न करें। जो भी हेल्थ अपडेट होगा वो राजू श्रीवास्तव के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट या दिल्ली एम्स के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से आपको मिल जाएगा। हालांकि राजू श्रीवास्तव को एक महीने के अंदर जो है 4 बार बुखार आ चुका है और वेंटिलेटर हटाने के बारे में अभी तक डॉक्टर्स का कोई विचार नहीं है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव को फ़िलहाल जो पीछे भी बुखार आ गया था, तो इस वजह से हालात के अंदर थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन जो है राजू श्रीवास्तव की बनी हुई है। इसलिए उनका वेंटिलेटर सपोर्ट जो है, बाहरी ऑक्सीजन जो है उनको दी जा रही है, वो नहीं हटाई जाएगी। बता दें, डॉक्टर्स ने मीडिया हाउस से बातचीत करने के दौरान कहा था कि राजू के ब्रेन में अपर हेड तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है। जो बता दें आपको, अपर हेड है राजू श्रीवास्तव के ब्रेन का, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, यही कारण है कि उन्हें अभी तक होश नहीं आया। हालांकि इसका इलाज करने के लिए न्यूरो फिजियोथेरेपी का सहारा लिया जा रहा है। तो ये बड़ी बात डॉक्टर्स ने कही कि राजू श्रीवास्तव को किस वजह से होश नहीं आ रहा, ये बात भी अभी साफ हो चुकी है। तो इसके ऊपर भी जो है काम शुरू हो चुका है, इसका भी इलाज शुरू हो चुका है। तो जल्द ही जो है राजू श्रीवास्तव को होश आएगा। सभी जो है प्रार्थना करें, प्रार्थनाओं का सिलसिला जो है जारी है। सभी लोग जो है प्रार्थना लगातार कर रहे हैं कि कॉमेडियन हमारे बीच में जल्द से जल्द हमें हंसाने के लिए वापस आएं। तो यही प्रार्थना भाई, राजू श्रीवास्तव जल्द से जल्द ठीक हो।